हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल एमजी मेडिस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रोन सिरप के बारे में एंड साइप्टाइन सिरप के बारे में, और हम जानेंगे इन दोनों सिरप के यूज, डोज, बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इन दोनों सिरप के यूज क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इस दवा के डोज और खुराक क्या हैं और इस दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में बन है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सब कुछ इन दोनों सिरप के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आर्बिट्रोन सिरप के बारे में। आर्बिट्रोन सिरप बहुत ही बेहतरीन दवा है और इसे बनाती है ब्रांड कंपनी मेडले फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी, मिडले फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ये ब्रांड कंपनी है और ब्रांड नेम आर्बिट्रोन के नाम से इस दवा को बनाती है। और दोस्तों, इन्हें पड़े कम्बिनेशन साल्ट के बारे में बात करें तो इनमें आप देख सकते हैं, इनमें आपको आयरन 30 मिलीग्राम एंड फोलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम एंड विटामिन B12 2.5 मिलीग्राम एंड विटामिन सी 38 मिलीग्राम पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जो हमारा आयरन की मात्रा होती है वो आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करती है, यानी कि आपके शरीर में जो भी खूनी समस्या रहती है, खून कमी रहती है, उसको पूरी करती है। और इनमें जो फोलिक एसिड होता है, जिसे विटामिन B9 के नाम से भेजा जाता है, ये आपके शरीर में एनीमिया की कमी को दूर करता है, यानी कि जब आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उसको भी यह दूर करता है। आपके जब ब्लड का रंग हल्का हो जाता है तो उसको यह गाढ़ा करता है। और इनमें विटामिन B12 पाया जाता है, जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जो आपके शरीर में विटामिन सी कमी को दूर करता है। और दोस्तों, यह इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो 38 मिलीग्राम होता है, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है, यानी कि आपके शरीर में अगर जो कैल्शियम की कमी है उसको भी यह दवा पूरा करता है, क्योंकि विटामिन सी एक कैल्शियम का रूप है और आपके शरीर की हड्डी को यह दवा मजबूत करता है। तो दोस्तों, आपको एक ही सीरम में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके शरीर में खूनी कमी को दूर करता है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, विटामिन सी कमी को दूर करता है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन दवा है और हम जानेंगे इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, यह 200 ml के बॉटल में आता है और इसकी जो प्राइस होती है 184 रुपये इस समय हो गई है मार्केट में। यह दवा आपको भारत के सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी हो, एनीमिया हो, उसको दूर करता है। और इस सिरप का उपयोग प्रेगनेंसी में भी किया जाता है, यानी कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी होती है, तो उसको भी यह दवा दूर करता है। किसी को जनरल वीकनेस की समस्या होती है, यानी कि सामान्य कमजोरी की समस्या होती है, वो भी इस सिरप का उपयोग कर सकता है और अपनी कमजोरी को दूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट सिरप है साइप्टाइन सिरप, जिसके फार्मूला के बारे में बात करें, साल्ट के बारे में बात करें, कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम इनमें पाया जाता है, जो एक बेस्ट फार्मूला है। और इस दवा के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस मात्र 120 रुपये होती है 200 ml बॉटल की, और इसे बनाती है एक्वल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो एक ब्रांड कंपनी है और ब्रांड नेम साइप्टाइन सिरप के नाम से बनाती है। मार्केट में आपको मिल जाएगी साइप्टाइन सिरप के नाम से यह दवा। और दोस्तों, इनमें जो हमारा साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो 2 मिलीग्राम पाया जाता है 5 ml, यानी कि प्रत्येक 5 ml में 2 मिलीग्राम साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग आप अपने मर्ज़ी से बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के एडवाइस पर, डॉक्टर के पेशाब पे ही कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इस दवा का उपयोग सबसे ज़्यादा भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर किसी को भूख की समस्या आती है, भूख नहीं लगती है, तो वह इस सिरप का उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी और वह ज़्यादा मात्रा में भोजन कर पाएगा। और दोस्तों, इसका उपयोग एलर्जी के कंडीशन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो उसको भी यह दवा दूर करती है। और दोस्तों, इस दवा के डोजेज और खुराक के बारे में बात करें, जिससे आप देख सकते हैं 3 साल के ऊपर के लोग इस दवा को आधा ढक्कन सुबह शाम, यानी कि 2.5 ml सुबह शाम पी सकते हैं, और 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार सुबह शाम पी सकते हैं, और 6 से 12 साल के तक के बच्चों को 10 ml सुबह शाम पी सकते हैं, और एडल्ट भी 10 ml सुबह शाम दिन में 2 बार
इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर उनको भूख लगने की समस्या जो है बहुत ही कम भूख लगती है तो वह इस दवा को दिन में 3 बार 10-10 ml पी सकते हैं। दोस्तों इस दवा का उपयोग आपको जब भी करना है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लेना है और डॉक्टर के देख रेख में ही इस दवा का उपयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा साइफ टाइम सिरप काम करता है। और हम जानते हैं इन दोनों सिरप के मिक्स कंटेंट के बारे में, तो अगर आपको भूख की लगने की समस्या रहती है, आपको भूख नहीं लगती है और आपके शरीर में खून की कमी भी है, कमजोरी भी है, तो आप इन दोनों सिरप को एक साथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सिरप को कैसे लेना है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। आपको जो यह साइफटाइन सिरप होता है इसे आपको नाश्ते के बाद सुबह शाम यानी कि भोजन करने से पहले 1-1 घंटा पहले साइफटाइन सिरप को ले लेना है। और आर्बिट्रोन सिरप जो होता है भोजन के बाद 10-10 ml सुबह शाम आपको पानी के साथ पीना होता है। दोस्तों इस तरह से आप उपयोग करेंगे तो आपको भूख की समस्या जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपको भूख अधिक मात्रा में लगेगी और आपके शरीर में ताकत भी होगी, क्योंकि आर्बिट्रोन सिरप जब आप पियेंगे तो आपके शरीर में आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी और विटामिन सी कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही बेस्ट दोनों का कंपटीशन है और दोनों का उपयोग करेंगे तो आपका शरीर हेल्दी स्वस्थ हो जाएगा, आपका शरीर मोटा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और आप दुबले पतले की जो समस्याएं आपके शरीर में है वो सभी ख़त्म हो जाएंगी और आपके पीछे गाल भर जाएंगे। दोस्तों इस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी पूरी जानकारी साइफटाइन और आर्बिट्रोन सिरप के बारे में। अगर आपको मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी मेडिसिन रिलेटेड जानकारियाँ दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और मेरे वीडियो को तुरंत वॉच करें।